एक ही बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि सिविल इंजीनियरिंग के बाद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बाद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद कितना पैसा कमा सकते हैं। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप मिस कर जाओगे। तो अब बात करते हैं एक एक इंजीनियरिंग को लेकर। सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करते हैं। इंडस्ट्री का बाप जो बन रखा है इस समय, इंजीनियरिंग का बाप है, और वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। 2022 तक हम कह सकते हैं था, लेकिन अब धीरे धीरे बादशाहत गिर रही है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की। पैसा बहुत है, अनलिमिटेड है। देखो, अगर हम बात कर लें कि बहुत ज़्यादा पैसे अगर किसी इंडस्ट्री में मिले हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ की पैकेज, तो वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मिले, किसी और इंडस्ट्री में इतना पैसा नहीं मिला। एक टाइम था मैकेनिकल डिजाइनिंग में, कार डिज़ाइनिंग में इतने पैसे होते थे, लेकिन वक्त और टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें धुल गई, और मतलब उसकी वैल्यूएशन कम हो गई, समझ लो कहीं ना कहीं इस तरह से। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर एवरेज सैलरी की बात की जाए, अगर आप टायर थर्ड से हो तो अगर फ्रेशर लेवल पे जाते हो 25 से 30 हज़ार की सैलरी मिल जाएगी। थोड़ा और एक्सपीरियंस होगा, 50 हज़ार रुपये महीना इजीली आप कमा सकते हो। लेकिन आपके अंदर स्किल होनी चाहिए कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, या फिर किस में हो, ये स्किल होना बहुत ज़रूरी है। स्किल अगर नहीं होगा तो शायद चीज़ें आपके लिए काम करना बंद कर देंगी। अब दूसरी बात आती है, सबसे बड़ी बात, चलो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गया, अब आते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल की मार्केट पिछले कुछ टाइम से सब लोग जान रहे हो डाउन है, लेकिन अब 2022 से स्टार्ट हो गया है, अब रॉकेट की तरह उड़ेगा सिविल इंजीनियरिंग, और सिविल इंजीनियरिंग को रोक नहीं पाएगा कोई, मैं बता रहा हूँ। सिविल इंजीनियरिंग में इतने मल्टीपल प्रोजेक्ट असाइन हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, और भी सारी जगहों से बहुत सारे प्रोजेक्ट असाइन हुए हैं, और उस प्रोजेक्ट के थ्रू ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा कर सकते हो और बहुत पैसे कमा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप पैसे नहीं अर्न कर सकते हो, बहुत पैसे अर्न करते हो सिविल इंजीनियरिंग में। लिमिटलेस पैसा सिविल इंजीनियरिंग में है। एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अगर आप सीनियर इंजीनियर हो तो 4 4 करोड़, 5 5 करोड़, 10 10 करोड़, 20 20 करोड़, 50 50 करोड़, इतना पैसा सिविल इंजीनियरिंग में। हमें लगता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी, लेकिन सिविल में भी बहुत पैसे हैं। पहुंचो तो सही वहां तक, तभी जाकर के आप पैसा कमा पाओगे सिविल इंजीनियरिंग में। अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी लोगों को लगता करे सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहाँ पैसा है, क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके हम पैसा कमा पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल आप कमा सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी जगह है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, शायद आप अपनी आपको अपग्रेड करोगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पाओगे कि डिजाइनिंग में, मैकेनिकल में देखो जॉब कम है, डिजाइनिंग में, मैकेनिकल डिजाइनिंग में जॉब कम है, लेकिन ऑब्वियसली स्कोप बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा स्कोप है ना कि आप समझ नहीं पाओगे मैकेनिकल में कितना स्कोप। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप सही से कर लो तो पैसे की कोई कमी नहीं, लिमिटलेस पैसा है इसमें। इस फील्ड में मल्टीपल करियर ऑप्शन है, मल्टीपल चांसेस है, और बहुत सारे पैसे हैं, बहुत कुछ कर सकते हो आप लाइफ में, बहुत अर्न कर सकते हो। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी एक अच्छा खासा करियर ऑप्शन है। अगर स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो फ्रेशर लेवल पे टायर थर्ड कॉलेज में हो, अगर कैंपस में जाते हो 25 से 30 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी, 50 हज़ार कमाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन जॉब लगना एक बड़ा फैक्टर है इसमें, जॉब लगता है कि नहीं लगता है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जॉब लगना या ना लगना ये बड़ा फैक्टर माना जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लोग कह रहे हैं डेड हो गया है, ऐसा नहीं है। क्या सच में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डेड हो गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस पर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा, क्या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डेड हो गए हैं, इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो। इलेक्ट्रिकल में डिजाइनिंग बहुत पार्ट है, और डिजाइनिंग के लिए बहुत सारी कंपनीज, बाहर की कंपनी, जैपनीज कंपनी, ऑस्ट्रेलियन कंपनी, बहुत सारी ऐसी कंपनियां इंडिया में आ रही हैं, और ऑब्वियसली इंडिया में उनके लिए ह्यूज स्कोप है, अच्छा खासा करियर ऑप्शन है। तो ये समझना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक आप समझोगे नहीं, अप्लाई नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें आपके लिए उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप समझिए, फिर उस पर चीज़ें अप्लाई करिए, तो ऑब्वियसली आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी खासी होगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को लोग कुछ नहीं समझते थे, अभी भी कुछ लोग आएंगे कमेंट में कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की वैल्यू नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे आप बीटेक कर रहे हो, चाहे पॉलिटेक्निक पहुंच रहे हो, जो लोग कह रहे हैं डेड है वो लोग कंपनी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप सैमसंग में पहुंचो ना, सैमसंग में हजारों लोगों की भर्तियां होती हैं। सैमसंग हो गया, सोनी हो गया, पैनासोनिक हो गया, सिस्का एलईडी हो गया। आप सोचो कि अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में रहकर जॉब नहीं मिल पाएगा भाई, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आना पड़ेगा। चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, आपको बाहर निकल के आना पड़ेगा, तभी आप पैसे कमा पाओगे। अगर स्टार्टिंग की बात करें, सैमसंग में मेरे कई सारे फ्रेंड हैं, स्टार्टिंग में उन्होंने 20 से 25 हज़ार रुपये पे स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, अभी उनकी सैलरी 1 लाख रुपये प्लस महीने में है। तो लेकिन हाँ, मेहनत किया, बीटेक लेवल पे थे,
मिलते हैं डिप्लोमा लेवल पे 15 से 20 हज़ार, 10 से 15 हज़ार के बीच में आप कह लो कि मैकेनिकल इंजीनियर को और डिप्लोमा होल्डर्स को मिलता है सैमसंग जैसी कंपनियों में, लेकिन विल टेक टाइम, वो समय के अकॉर्डिंग बढ़ता ही जाता है। तो ये जो मैंने बताया है बहुत कैलकुलेटेड डेटा है और ऑब्वियसली आपके करियर के लिए एक बिल्डअप फाउंड है कि आपके करियर किस तरह से आगे जाएगा। तो बस वीडियो में इतना ही, होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग टेलीग्राम पे हो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाकर ज्वाइन जरूर करो। थैंक यू।